सोलन में ज्यादातर रेस्टोरेंट और होटल सुरक्षित नहीं है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब दो दिन पहले एक दो मंजिला बार और रेस्टोरेंट में आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग मौके पर पहुंचा तो उसने पाया कि वहां कोई भी आपातकालीन बाहरी मार्ग नहीं है तथा दूसरी मंजिल पे धुआं ही धुआं फैला हुआ था। उन्होंने पाया कि आग तो थोड़ी सी लगी थी लेकिन आग बुझाने के लिए जो संयंत्र उपयोग में लाया गया वो ठीक नहीं था, जिस पर दमकल विभाग ने रेस्टोरेंट को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे नियमानुसार कार्य करें ताकि किसी भी तरह की जान की नुकसानी ना उठानी पड़े। सोलन में ज्यादातर रेस्टोरेंट और होटल सुरक्षित नहीं है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब दो दिन पहले एक दो मंजिला बार और रेस्टोरेंट में आग को बुझाने के लिए दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। उन्होंने पाया कि वहां कोई आपातकालीन बाहरी मार्ग नहीं था और दो मंजिलों में धुआं ही धुआं फैला हुआ था। उन्होंने पाया कि आग तो थोड़ी सी ही लगी थी लेकिन आग को बुझाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संयंत्र ठीक नहीं थे, जिस पर दमकल विभाग ने उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि वो नियमानुसार कार्य करें ताकि किसी भी तरह की जानी नुकसान ना उठाना पड़े। दमकल अधिकारी राजाराम ने खुलासा किया कि सोलन के ज्यादातर रेस्टोरेंट और होटल दमकल विभाग से कोई NOC नहीं ले रहे हैं और ना ही उनमें कोई आपातकालीन रास्ता बना हुआ है, इसलिए उन्होंने सभी को निर्देश दिए हैं कि वे नियम अनुसार काम करें। उन्होंने ये भी बताया कि दो दिन पहले सोलन के माल रोड पर बार में आग लग गई थी, जिसमें वहां के कर्मियों ने जो संयंत्र आग बुझाने के लिए उपयोग में लाया वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से वहां धुआं और ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा कि जो यंत्र दमकल विभाग ने सुझाए हैं वे यंत्र ज्यादातर व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाए जाते हैं और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। 1640 बजे हिमानी बार एंड रेस्टोरेंट के साथ किचन में आग लगी थी, जिसमें एक एग्जॉस्ट फैन जल गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। आग बुझाने के लिए इन लोगों ने जो है ड्राई पाउडर का इस्तेमाल किया, जो कि सारे ही किचन में वो बार में फैल गई थी, जिससे अंदर डस्ट ही डस्ट हो गया था। जिसको खाली करने के लिए खिड़कियां खोली गई तब डस्ट बाहर गई। हमने पहले ही बोला स्कूलों में कॉलेजों में होटल हो गए हॉस्पिटल हो गया सबके हम एडवाइस करते हैं कि भाई ABC ना लगाएं, पर फिर तब भी लोग लगाते हैं जिससे कि जो है ऐसे नुकसान हो जाता जो यहाँ पे हुआ। NOC यहाँ मैक्सिमम ऐसे जिनके पास NOC नहीं है, कुछ एक को छोड़ के इनकी फायर एग्जैक्ट भी है प्रॉपरली थी नहीं, तो ये तो बहुत पुराना है। अब एग्जैक्ट तो ये अपने हिसाब से ठीक कराएंगे, हमने इनको बोला कि एग्जैक्ट को ठीक करें।